नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव टीवी समाचार में। आइए रुक करते हैं सुपर फास्ट बुलेटिन की ओर। गंज बासोदा में पुलिस का रोको टोको अभियान, संदिग्धों की हुई चेकिंग, लगातार जारी रहेगा यह अभियान। कानपुर में बरिपाल स्टेशन के पास हुआ बड़ा हादसा, हादसे में एक की दर्दनाक मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ यह हादसा। अयोध्या में सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर का गेट न खुलने पर मकान मालिक ने दी पुलिस को सूचना, पुलिस कर रही मामले की जांच। गोंडा में महिला चौपाल का हुआ आयोजन, महिला सशक्तिकरण पर दिया गया बल, शिक्षा अधिकारी ने किया विभिन्न स्टालों का निरीक्षण। तलोद में महादेव मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, नंदी के दूध पीने की बात आई सामने, नंदी महाराज को दूध पिलाने की लगी लोगों में होड़। जौनपुर में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने योगी सरकार पर बोला जमकर हमला, कहा नौकरी देने के बजाय युवाओं को पकोड़े तलने पर किया मजबूर, आवारा पशु कर रहे राशन का अधिक नुकसान। सुपौल में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु विकलांगता शिविर का आयोजन, मेडिकल कैंप में लाभार्थियों की लगी भारी भीड़, 4 मार्च से 8 मार्च तक चलेगा यह विशेष शिविर। उत्तराखंड में रामायण काल की ऐतिहासिकता की गवाही देता दूनागिरी मंदिर, सुमेचू उत्तराखंड में मंदिर का है विशेष महत्व, मंदिर के बारे में अनेकों कथाएं जनमानस में प्रसिद्ध। बांदा में गौशाला में गोवंश की दुर्दशा, अव्यवस्थाओं में दम तोड़ रहे गोवंश, ना इलाज ना ही चारे की व्यवस्था। गोंडा में यूक्रेन से सकुशल लौटे आकाश, एडीएम व आपदा विशेषज्ञ ने मिलकर जाना हाल, यूक्रेन में फंसे गोंडा के अरुण त्रिवेदी परिजन कर रहे सकुशल लौटने का इंतजार। फिलहाल के लिए सुपरफास्ट बुलेटिन में इतना ही, ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।